नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान। रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक बार फिर आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। बाईपैप है, बीएमसी बाईपैप मॉडल YT30। रेस्मार्ट G2 बाईपैप सिस्टम इस पे लिखा हुआ है और मॉडल जो है ये YT30 है। इसमें प्रेशर जो है इसका 30 तक रहता है, इसलिए इसको YT30 हम लोग मॉडल बोलते हैं। ये इसका सीरियल नंबर है और इसमें जो ह्यूमिडिफायर के साथ में आता है, ह्यूमिडिफायर का सीरियल नंबर इधर लगा हुआ है। ये ह्यूमिडिफायर का सीरियल नंबर है और इसकी जो MRP है वो 62,000 के करीब है। 62,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस है। इसको खोल के देखते हैं हम लोग इसमें क्या निकलता है। ये इसके अंदर एक बैग निकला है और इसके साथ ये क्विक क्लिनिकल गाइड निकला है, जिसमें कि क्विक रेफरेंस के लिए आपको जो भी सेटिंग्स जल्दी से देखनी हो वो आप जल्दी से कर पाए। ये एक फोल्डर के जैसा है, दो फोल्ड हैं। इसमें सेटिंग्स और उसका मोड्स और मशीन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है ताकि इमीडिएट आपको आइडिया हो जाए कि मशीन में क्या है। दूसरा जो है एक इसको असेंबल करने के लिए क्विक रेफरेंस, ये भी क्विक रेफरेंस गाइड का ही पार्ट है। कैसे असेंबल करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो आप इंस्ट्रक्शंस इसमें देख सकते हैं। ये सारा एक ही पार्ट है। अब मशीन को खोल के देख लेते हैं। देखिए कितना सुंदर सा बैग इसके साथ मिला है। BMC का लोगो इस पे लगा हुआ है। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं, स्ट्रैप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। डबल जिपर है इसके अंदर। ये एक इसमें पैकिंग लिस्ट निकलती है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है उसका पैकिंग लिस्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं। एक ये सर्विस कार्ड है, इसमें आप अपना डिटेल्स भर के कंपनी में वापस कर सकते हैं वारंटी के लिए। ये सर्विस के लिए इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, कैसे आप सर्विसेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये इसका प्रॉपर एक यूज़र मैनुअल है, जिसमें पूरा डिटेल में ट्रबल शूटिंग और यूज़ कैसे करना है मशीन को पूरा इसमें बताया गया है। हम एक्सेसरीज इसके साथ देख लेते हैं क्या क्या हैं। ऊपर वाली पॉकेट में ये एक मास्क निकलता है, फुल फेस मास्क है इसके साथ में। इस टाइप का फुल फेस मास्क है। F5 जो है इसका मॉडल है, BMC का मीडियम मास्क इसमें निकलता है। इंस्ट्रक्शंस मास्क कैसे लगाना है इसके ऊपर ही डिस्प्ले है मास्क के ऊपर। और एक पैकेट निकलता है इसमें, जिसके अंदर की एक स्पेयर फिल्टर है, स्पंज का फिल्टर है इसमें। एक पावर कॉर्ड लॉक करने के लिए एक प्लास्टिक का पीस है, कनेक्टर है, लॉक है प्लास्टिक का। कैसे लगाना है ये भी हम अभी देखेंगे। और एक ये ऑक्सीजन पोर्ट इसमें मिलता है, ये भी कैसे यूज़ करना है ये भी हम अभी देखेंगे। और इसमें निकलता है एक पावर अडेप्टर। पावर अडेप्टर 100 to 240 volts, 50-60 hertz है, 2 amperes, और आउटपुट जो है इसका 24 volts, 2.5 amperes है। डी टाइप का कनेक्टर है इसमें भी।
और एक इसमें ये पावर कॉर्ड निकलती है, 2 पिन पावर कॉर्ड है। एक ये स्मूथ बोर ट्यूबिंग निकलती है। और ये मशीन है, बाईपैप मशीन। यहाँ हम ह्यूमिडिफायर अटैच करेंगे। ये मशीन की बैक साइड है और ये नीचे का बॉटम पैनल है। ये इसका सीरियल नंबर मशीन पे भी लिखा हुआ है। और इसमें निकलता है एक ह्यूमिडिफायर। ये हम अब बैग को साइड पे रख देते हैं। अब मशीन के कंट्रोल्स हम लोग देख लेते हैं। ये इसमें एक रोटरी नॉब है जिससे कि हम सेटिंग करेंगे। ये इसका डिस्प्ले स्क्रीन है, ये इसका रैंप बटन है और ये अलार्म साइलेंट बटन है। मशीन के पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट है। ये इसमें एक मेमोरी कार्ड है, ये आपको मेमोरी कार्ड इसमें मिलता है 8 GB का एक। इसको लगाने के लिए उल्टा लगेगा इसमें, ये जो इसके कनेक्शंस हैं ये आपको विजिबल होने चाहिए, आपकी तरफ होना चाहिए। इसको इसमें रख के प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा। ये लॉक लग गया इसमें। ये इसका पावर इनलेट है, पावर सप्लाई कनेक्टर। और इस साइड में जो है, एक साइड तो पूरा फिनिश है, एक साइड आपको थोड़ा खुला हुआ सा दिखेगा, तो इस साइड हमें ह्यूमिडिफायर कनेक्ट करना है। ये तो ह्यूमिडिफायर कनेक्ट करेंगे। और ये इसका एयर इनलेट फिल्टर है, यहाँ पे ये फिल्टर करने के लिए ये इसका नॉब बना हुआ है। यहाँ से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये खुल जाता है। वापस जब इसको क्लीन करना है, क्लीन करके आप इसको डस्टिंग करके भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और इसको चेंज भी कर सकते हैं। स्पेयर फिल्टर एक आपको साथ में मिलता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए ऐसे ही लगाना है, लगा के यहाँ पे पुश करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, पहले हम मशीन का पार्ट देख लेते हैं, फिर इसको ह्यूमिडिफायर कनेक्ट करेंगे। मशीन कनेक्ट करने के लिए ये इसका कनेक्टर है, पावर कनेक्ट करने के लिए इसको हम ये जो कनेक्शन है, आपको एरो लगा हुआ है, एरो जो है नीचे की तरफ रखना है। एरो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, जो राउंड शेप है ऊपर से, ये ऐसे इसकी जैसे ये डी बना हुआ है इसी शेप में आपको लगाना है। नीचे से फ्लैट है तो आपको फ्लैट की साइड, फ्लैट साइड रखना है। तो इसको इसमें रख के पुश कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये इसका जो प्लास्टिक का पार्ट दिखाया था, लॉक है इसका, ताकि ये जो केबल है आपका पीछे खींचे नहीं। इसको लगाने के लिए हम इसको इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, इसके ऊपर रख के ये स्लाइड किया, ये लॉक इसमें लग गया। अभी देखिए केबल खींचेंगे तो खींच नहीं रही है, लॉक लग गया इसमें। ये खोलेंगे तो ये अभी भी नहीं निकल रहा है, जब आप लॉक हटाएंगे तब जाके ये पावर कॉर्ड जो है पीछे निकलेगा। आप जब भी मशीन यूज़ करें तो इसको लगा के रखें। अब इसमें पावर कनेक्ट करेंगे। पावर कनेक्ट करने के लिए 2 पिन पावर कॉर्ड इसके साथ दी गई है। ये दूसरी साइड में हम इसमें यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको प्लग इन करेंगे। अब हम मशीन को ऑन करके देखते हैं। मशीन का स्विच ऑन करेंगे तो ये पावर अडेप्टर में भी यहाँ पे लाइट आ जाती है, इससे पता लग जाता है कि यहाँ पावर पीछे से कनेक्टेड है प्रॉपरली। मशीन भी हमारी ऑन हो गई है। मशीन को हम थोड़ा ऊंचा करके देख लेते हैं।
दिख रहा है साहब? तो अब इसमें मशीन को हम बिना ह्यूमिडिफायर के भी चला सकते हैं। अगर बिना ह्यूमिडिफायर के चलाना है तो हम जो अपना ट्यूबिंग है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करके डायरेक्ट मास्क जो है दूसरा एंड मास्क पे लगा के हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, बिना ह्यूमिडिफायर के अगर लगाना है तो हम मशीन से यहाँ से कनेक्ट करेंगे ट्यूबिंग को, यहाँ से कनेक्ट करके डायरेक्ट चला सकते हैं। अभी हम पहले कंट्रोल्स देखेंगे, बाद में चला के देखेंगे मशीन को। अब इसके अगर मशीन आपको चलाना है, ऑन ऑफ करना है, तो सीधा इस बटन को एक बार दबा देंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, और वैसे जब डिस्प्ले आया हुआ उस टाइम एक बार दबाएंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। ये मशीन ऑन की हमने, तो यहाँ पे हमें ये ऊपर प्रेशर दिख रहा है, आई पैप ई पैप कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हमें टाइडल वॉल्यूम दिखाई देगा जहाँ पे वी टी लिखा हुआ है, नीचे रेस्पिरेटरी रेट है, मिनट वॉल्यूम है, लीक है और इंस्पिरेटरी टाइम है। यहाँ पे प्रेशर का वेव फॉर्म है, यहाँ पे फ्लो की वेव फॉर्म है नीचे, और नीचे जो है यहाँ पे मोड दिखाई दे रहा है, अभी सी पैप मोड में चल रहा है। रैंप 4 मिनट्स का है, ट्रीटिंग प्रेशर 6 है और मैक्सिमम रैंप टाइम 30 मिनट्स का है। मैनुअल पी जो है इसमें एक ऑप्शन है कि अब जब मशीन चल रही है उस टाइम में अगर ये ऑन किया हुआ है तो इसको अगर बटन को प्रेस करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए, और प्रेस करके इसको हम लोग इसको प्रेस करके इस बटन को प्रेस करके हम लोग रखेंगे और इससे हम जो है अपना प्रेशर जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 1-2 सेंटीमीटर तक एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअल प्रेशर जो है ये इसमें ऑप्शन एक दिया गया है। ये अभी हमने ऊपर से हाथ हटा दिया तो लो मिनट वॉल्यूम का अलार्म आ रहा है येलो में, जब हम इसको ब्लॉक करेंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो ये नहीं आएगा, क्योंकि लीकेज अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए कि हमने अभी मास्क नहीं लगाया है तो इसलिए ये अलार्म आ रही, देखिए अभी चला गया, हमने आगे से ब्लॉक किया है इसको, लो मिनट वॉल्यूम का अलार्म था, ये ऑफ। अब इसको बंद करते हैं मशीन को, इसको बंद करने के लिए 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे लॉन्ग प्रेस तो मशीन ऑफ हो जाएगी। अब इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स करने के लिए इसको अगर आपको नॉर्मल उसमें पेशेंट मेनू में जाना है तो यहाँ से इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाती हैं। ऊपर ह्यूमिडिफायर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, और इसमें फिर से क्लिक करेंगे तो हम इसकी ह्यूमिडिफायर को सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑफ है, 1 है 2 3 4 5 तक है, इसका हीटिंग लेवल जो है ह्यूमिडिफायर का आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने नहीं लगाया तो हम इसको ऑफ रख रहे हैं। ट्यूब का साइज़ चेंज कर सकते हैं, 22 mm है, 15 mm है, अभी हम 22 mm यूज़ कर रहे हैं। रैंप टाइम आप इसमें सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 मिनट का रैंप है 5 मिनट के इंटरवल पे। नेक्स्ट है डिले है, डिले आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें। डेट आप इसमें सेट कर सकते हैं, टाइम आप इसमें सेट कर सकते हैं, जो भी सेट करना है उस ऑप्शन पे जाके इसको प्रेस करेंगे, एडजस्ट करके चेंज करेंगे और कंफर्म करेंगे। ब्राइटनेस आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं,
नेक्स्ट है मास्क टाइप, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करके देखेंगे, फुल फेस मास्क है, नेज़ल मास्क है, पिलो मास्क है, और अदर कोई दूसरा अगर आपके पास कोई मास्क है तो अदर उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फ़िलहाल फुल फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं, क्लिक करेंगे। आई कोड जो है इसमें इसका रिपोर्ट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, आई कोड स्कैन करते हैं इसको, तो वो स्कैन करने के लिए अगर रिपोर्ट निकालना है आपको, मेल पे लेना है तो आप उससे ले सकते हैं। ये कोड आ गया, इसको स्कैन करेंगे तो हमें वो पैक करके हम बाहर आएंगे। ये हमने सेटिंग्स इसमें देखी, जो पेशेंट खुद अपनी सेटिंग्स कर सकता है। होम करेंगे तो ये बाहर होम स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसमें मोड्स देख लेते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में अगर हमें सेटिंग्स करनी है तो ये बटन, रोटरी नॉब और रैंप बटन, हमें 3 सेकंड के लिए दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये अभी क्लिनिकल मोड आ गया, इसमें हम प्रेस करेंगे तो मोड हम देखते हैं इस मशीन में कौन कौन से हैं। येलो कलर हो जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, ब्लू कलर होगा तो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा। येलो पे करके इसको देखेंगे, पहला मोड सीपैप है, दूसरा मोड एस है, तीसरा मोड एसटी है, चौथा मोड टाइम्ड है, फिर सीपैप है। ये सारे इसके अंदर मोड्स हैं। जो भी आपको मोड रखना है, सपोज़ एस रखना है तो इसको क्लिक करेंगे, ये एस मोड एक्टिवेट नहीं हो गया, सेलेक्ट हो गया। मैक्सिमम रैंप टाइम आप इसमें सेट कर सकते हैं, रैंप प्रेशर सेट कर सकते हैं कि कितने प्रेशर से रैंप स्टार्ट हो। आई पैप इसमें सेट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके रोटेट करेंगे, चेंज करेंगे और कन्फर्म करेंगे। आई पैप भी ऐसे ही है। इंस्पिरेटरी मैक्सिमम टाइम, मिनिमम इंस्पिरेटरी टाइम, राइज टाइम, आई सेंस, इंस्पिरेटरी सेंसिटिविटी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 लेवल्स दिए हैं। ट्रिगरिंग का सेंसिटिविटी है ये, आप तो 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं इसमें, 8 तक सेंसिटिविटी है, आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। नेक्स्ट ई एक्सपिरेटरी सेंसिटिविटी भी ऐसे ही है, ये भी 8 तक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। बैकअप रेस्पिरेटरी रेट, बैकअप रेस्पिरेटरी रेट अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपको एक बैकअप मिल जाएगा ब्रेथ्स का। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस नहीं है, पेशेंट अगर ब्रीथ करने में फेल होता है तो आपको रेस्पिरेटरी रेट बैकअप मिल जाएगा। इसमें आप अगर टाइडल वॉल्यूम रखना चाहते हैं तो ऑन ऑफ टाइडल वॉल्यूम रख सकते हैं, कितना आपको रखना है। मैक्सिमम लिमिट देख लेते हैं इसमें कितना है। मैक्सिमम लिमिट 1500 ml तक होगा शायद। तक 1.5 लीटर तक टाइडल वॉल्यूम आप रख सकते हैं। अगर आप ऑन रखेंगे तो इसमें वॉल्यूम भी आपको जो है मिलेगा, जितना भी डिज़ायर्ड वॉल्यूम आप रख रहे हैं, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इस ऑप्शन को आप ऑफ भी रख सकते हैं। राइज टाइम आप इसमें सेट कर सकते हैं, और जब आप टाइडल वॉल्यूम ऑन करेंगे तो आपको मिनिमम आई, मैक्सिमम आई पैप और मिनिमम आई पैप देना पड़ेगा, ताकि वो वॉल्यूम अचीव करने के लिए वो उसमें प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करता रहे। ई पैप रख सकते हैं, इंस्पिरेटरी टाइम है, राइज टाइम रख सकते हैं, सेंसिटिविटी आपने देख लिया, बैकअप रेट है, टाइडल वॉल्यूम देख लिया, ऑटो ऑन ऑटो ऑफ ऑप्शन, जैसे सारे वीडियोस में हमने बताया, ऑटो ऑन को ऑन रखेंगे तो मास्क लगाते ही मशीन आपकी ऑन हो जाएगी खुद से, 2-3 ब्रेथ्स करेंगे तो। ऑटो ऑफ में मास्क उतार के रखेंगे तो मशीन ऑफ हो जाएगी। लीक अलर्ट रखेंगे तो आपको अलार्म करेगा जब लार्ज लीक होगा। ट्यूब टाइप हमने देख ही लिया था। रिसलेक्स जो है आप इसको ऑन करेंगे, 1, 2, 3 लेवल हैं, तो इसमें जो है प्रेशर जो है थोड़ा सा एक्सेलेशन के टाइम में पेशेंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा लो हो जाता है, ताकि एक्सेल करने में
पेशेंट को इजी हो। इसको ऑफ भी रख सकते हैं आप, बैक। तो ये हमारा मोड सेलेक्ट हो गया। अब इसको ऑन करने के लिए ऑन करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे मोड एस हो गया, पहले सीपैप दिखा रहा था, अब एस दिखा रहा है। रैम 4 है, ईपैप 6 है, मैक्सिमम आईपैप। यहाँ जो हमने सेटिंग्स की हैं, यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं, हमने जो सेटिंग्स की हैं वो नीचे सेटिंग्स दिखा रहा है, जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं। ये मॉनिटर्ड वैल्यूज़ हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज़ आपको दिखाएगा। रेस्पिरेटरी रेट है, मिनट वॉल्यूम है, लीक है, इंस्पिरेटरी टाइम है, प्रेशर है, प्रेशर और फ्लो का वेव फॉर्म है। बंद करने के लिए वही 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, फिर बंद हो जाएगा। ये अलार्म साइलेंट बटन है, अगर आप अलार्म साइलेंट करेंगे तो 1-1.5 मिनट के लिए जो है अलार्म साइलेंट हो जाता है। ये बटन दबाने से मतलब अभी मशीन हमारी बंद है तो ये डायरेक्ट आई कोड पे आ जाता है, ताकि आप इसको स्कैन करके अपना डाटा जो है वो ले सकें। इसको बैक करने के लिए ये बैक करेंगे तो होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ये आपने मोड्स देख लिए हैं, अब हम इसका ह्यूमिडिफायर देख लेते हैं। ह्यूमिडिफायर कैसे अटैच करना है इसके साथ में, मशीन और ह्यूमिडिफायर को दोनों को एक साथ एक ही पोजीशन में रखना है। फ्रंट साइड जो है आपको अपनी तरफ रखनी है, इन दोनों को बराबर बराबर रखना है। और ये जो मशीन का पाइप है, ये यहाँ से आउटलेट जो है ये इस होल के अंदर जाएगा। इस होल के अंदर इनको बराबर रख के आप दोनों साइड को, दोनों साइड से इसको पुश करेंगे तो ये टक्कर के आवाज़ आएगी और ये लॉक हो जाएगा, ये वन पीस बन जाएगा। ये भी देखिए लॉक हो गया, वन पीस बन गया। अब ट्यूबिंग जो है हमने मशीन में कनेक्ट की थी पहले, अब आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये 360 डिग्री स्विवल है, कहीं भी आप इसको घुमा सकते हैं। यहाँ से आपको वाटर लेवल दिखता रहेगा और इसको पानी कैसे इसके अंदर डालना है। पानी डालने के लिए इसमें जो है ये नीचे बटन है, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा टक करके साउंड आएगी, ये फ्लैप ऊपर हो जाएगा। इस चैम्बर को निकालिए, नई मशीन में आपको ये दिखेगा, यहाँ से पानी नहीं डालना है इसके अंदर, ये भी होल है। इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके यहाँ पे ये एक स्टिकर इन्होंने लगाया है, यहाँ पे रख के इसको यहाँ से इसको खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ से आपको 300 से 350 ml पानी इसके अंदर डालना है और डालने के बाद में इसको वापस लॉक कर देना है, वापस नहीं निकलेगा ये। उल्टा करके देख लें, पानी निकल तो नहीं रहा है। और वापस इसको रख के इसके अंदर इंसर्ट करना है और इसको वापस दबा के इसको ट्यूबिंग इधर कनेक्ट करना है। ट्यूबिंग कनेक्ट करके एक बार बटन प्रेस कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, मशीन ऑन हो गई है। मास्क लगा के हम यूज़ कर सकते हैं और इसको रोटेट करके, जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे अभी कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे ब्लू लाइट आ गई। फिर रोटेट करेंगे 2, 3, 4, 5, ये 5 जो नीली लाइटें हैं ये ह्यूमिडिफायर का हीटर है। अगर लाइट नहीं जल रही है तो सिर्फ पास ओवर ह्यूमिडिफायर काम कर रहा है, सिर्फ पानी में से होके हवा आ रही है और
ये हमने इसको बंद, अगर इसमें कोई लाइट नहीं जल रही है नीली वाली तो, नीली वाली लाइट नहीं जलने का मतलब है ये सिर्फ बाईपास ह्यूमिडिफायर काम कर रहा है, और नीली लाइटें जलने का मतलब है ह्यूमिडिफायर का हीटर लेवल काम कर रहा है। 1 is minimum, 5 is maximum heating। अगर आपको ड्राइनेस ज़्यादा लगता है तो आप मैक्सिमम हीट रख सकते हैं, पर ट्यूब में पानी नहीं आना चाहिए। अगर ट्यूब में पानी आ रहा है तो ह्यूमिडिफिकेशन लेवल आपको कम रखना पड़ेगा, कंडेंसेशन हो रहा है इसलिए पानी आ जाता है ट्यूब में। अब इसको क्लीन करने का देख लेते हैं, ह्यूमिडिफायर क्लीन कैसे करना है। इसको ट्यूब डिस्कनेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, चैम्बर बाहर निकालेंगे और यहाँ से ये दो क्लिप्स हैं इनको खोलेंगे और ये इसको ऐसे करेंगे तो ये अलग हो जाता है। तो पहले इसको आपको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के इसको खोल के पानी निकाल दीजिए, वापस ड्रेन कर दीजिए, उसके बाद ये क्लिप्स खोलने हैं, क्लिप्स खोल के इसको पूरा क्लीन करना है, क्लीन करके ड्राई करके वापस इसको जो ये असेंबल करने के लिए, यहाँ पे देखिए इतने सारे ये कट्स बने हुए हैं, ये इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर डाल के इसको वापस प्रेस करके पकड़ना है और ये क्लिप्स को वापस लगा देना है। ये वापस असेंबल हो गया, पानी डाल के फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑक्सीजन यूज़ करना है इसके साथ, तो ये कनेक्टर इसके साथ जो स्पेयर मिला है इसको आप मास्क में कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको कैप को खोल के अपना ऑक्सीजन ट्यूब लगा के ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको आप यहाँ पे भी लगा के ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं और ट्यूबिंग जो है यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। है? दोबारा कर लो। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन कनेक्शन अभी यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे हम ट्यूब ऑक्सीजन की लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका वही है जैसे मास्क लगाना हम सब में बताते हैं, स्ट्रैप डाल के मास्क में इसको वापस फेस पे रखना है और इसको कैप के जैसे पहन लेना है। देखिए अभी ऐसे ही हर मास्क में कहीं ना कहीं एक्सहेलेशन पोर्ट होता है, इसमें जो है हवा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और किसी मास्क में यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होंगे, किसी में यहाँ पे सिंगल होल होगा, तो वो जो होल होता है उसको कभी बंद नहीं करना है, हम हर वीडियो में बताते हैं। वो होल जो है वो एक्सहेलेशन के लिए है, अगर उस होल को बंद कर देंगे तो हवा जो है बाहर नहीं निकलेगी, जो आप एक्सहेल कर रहे हैं वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो सफोकेशन होगा, उस एक्सहेलेशन को कभी बंद नहीं करना है। और मास्क भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है लगाने के लिए, उतना ही लगाना है जितना कोई लीकेज ना हो, बहुत ज़्यादा मास्क को टाइट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे ज़ख़म हो जाएगा, पहले पेन होगा फिर ज़ख़म हो जाएगा, तो वो सब नहीं करना है। ह्यूमिडिफायर अगर आपको डिटैच करना है तो वो कैसे करना है, मशीन को पीछे रखेंगे और इसको बटन को प्रेस करेंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये डिटैच हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी मशीन के अंदर पानी हो, ह्यूमिडिफायर जुड़ा हुआ है, तो मशीन को उठाना नहीं है, मशीन को जब भी उठाना है पहले इसको ओपन करेंगे, चैम्बर बाहर निकालेंगे, उसके बाद मशीन को उठाएंगे। ह्यूमिडिफायर में पानी जब तक हो तो मशीन को ना उठाएं, मशीन टेढ़ी होने से पानी अंदर चला गया, पानी चला गया मशीन में तो कोई वारंटी नहीं मिलेगी कंपनी से, इस बात का खास ख्याल रखें।